जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE सिविल एप्लीकेशन स्टेटस एंड एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, क्योंकि यहां पर गाइस आपके एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के एप्लीकेशन स्टेटस आते हैं वही कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये आपका एडमिट कार्ड का ही रास्ता है। एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड आपका जो भी आपकी एग्जाम डेट आपके स्टेटस में आती है उसके 3 से 4 दिन पहले आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। एंड अगर आप यहां पर ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं या देने वाला हूं इसके अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक या फिर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी इसको डाउनलोड करा सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, डाउनलोड करना है, एंड देन फिर हम बात करेंगे अगर आप मेरे द्वारा चेक कराना चाहते हैं उसके बारे में। तो गाइज फाइनली आपकी ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है या फिर कह लीजिए कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। आपने इसके लिए काफ़ी वेट किया है क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी तो 687 पद पर आई थी। इसमें आपने यहाँ पर 2 जुलाई 2023 तक फॉर्म को भरा था। अभी आपकी जो बाकी की पोस्ट है उन सभी के जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं क्योंकि जो ASO की पोस्ट है उसके एग्ज़ाम अभी 8 अक्टूबर तक होंगे। एंड अब आपकी फाइनली सबसे लास्ट में ये जो आपकी JEE की पोस्ट है इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं एंड उनका ये जो एडमिट कार्ड है वो आया है। तो एग्जाम डेट आप यहां पर देख सकते हैं आपकी 17 अक्टूबर 2023, 18 और 19, यानी कि इन 3 डेट में आपके जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। अब आपको कैसे स्टेटस चेक करना है वो जान लीजिए। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप आइए और आपको सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में DDA JEE एप्लीकेशन स्टेटस एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी यूजर आई डी डालिए और अपना पासवर्ड डाल करके ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉग इन कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि सर मैं यूजर आई डी और पासवर्ड भूल चुका हूँ तो मैं क्या करूँ। तो आप यहाँ पर फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। जो आपने ईमेल आईडी फॉर्म फिल करते समय इस्तेमाल की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपकी ये ईमेल वैलिड हुई और इनके सिस्टम में सबमिट हुई तो फिर आपको यहाँ पर ईमेल के माध्यम से आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड विद इन 1-2 मिनट के अंदर भेज दी जाएगी एंड फिर आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल होगी और एग्जाम डिटेल होगी। मैं आपको बता दूं कि मे भी सभी कैंडिडेट का एक साथ में एप्लीकेशन स्टेटस ना आया हो क्योंकि यहां पर जो आपके एग्जाम है वो 19 अक्टूबर 2023 तक है। तो 1 से 2 दिन का वेट कर लीजिएगा। अगर आपका 1 अक्टूबर तक या 2 अक्टूबर तक भी नहीं आता एप्लीकेशन स्टेटस तब आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं और उसके बारे में मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी अपनी जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बेसिकली एग्जाम डिटेल के ऊपर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस का फाइल है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप बहुत ही सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। या आपकी फाइल आपके PC के अंदर या मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी जिसमें कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका राशन नंबर, आपकी पोस्ट, एग्जामिनेशन डेट आपकी क्या है वो आपको दी गई होगी, किस सेशन में आपका एग्जाम है वो आप देख लीजिएगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एग्जाम टाइम क्या है और सिटी ऑफ एग्जाम। तो सभी कैंडिडेट की सिटी यहां पर दिल्ली NCR ही रहने वाली है चाहे आपने कहीं से भी फॉर्म को भरा था। इसके अलावा आपको ये कहा कि ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये आपकी एप्लीकेशन स्टेटस है और इसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। एक बार फिर से आप आएंगे यहां पर और वो कब आएंगे, जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 3 दिन पहले आपको आना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी यहां पर डेट ऑफ एग्जाम 28 मार्च 2023 है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे वो 25 मार्च 2023 से कर पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे कि ये जो एग्जाम डेट है यहाँ पर 19 अक्टूबर 2023, तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे वो आप 16 अक्टूबर से डाउनलोड कर पाएंगे जिनकी एग्जाम डेट 19 अक्टूबर 2023 है, 16, 17, 18, 19। तो बेसिकली आप यहाँ पर 16 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जिनकी एग्जाम डेट 17 अक्टूबर 2023 है वो यहाँ पर 13 अक्टूबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जब आएगा वो तो मैं आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से अपडेट कर ही दूंगा। और इसके बाद आप क्या एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाएंगे उसके बारे में अगर बात करें तो आपको एडमिट कार्ड की जो प्रिंटेड कॉपी है जो कि कलर में होनी चाहिए वो आपको लेकर के जानी है, ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर के जानी है। अगर आपका फोटो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ब्लर आता है तो फिर आप 2 फोटोग्राफ भी लेकर के जाइएगा। वैसे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे कि क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है।
बट मेन चीज़ यही होती है, एक तो एडमिट कार्ड जो कि कलर में हो, और दूसरा एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी जो कि ओरिजिनल में ही होनी चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, और ये जो आईडी आप लेकर के जाइएगा इसमें आपका नाम सेम होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भी भरा था। अब ये तो ही गाइज आपके द्वारा खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की जानकारी। अब अगर आप किसी भी रीजन से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे, आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, एग्जाम डिटेल का कोई सेक्शन ही नहीं आ रहा है, तो आप मेरे द्वारा कैसे चेक करेंगे, कहाँ पर मुझे जानकारी सेंड करेंगे, वो आप यहाँ पर जान लीजिए। ये जो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यही आपको ओपन करना है, और इसमें आपको यहाँ पर कमेंट में कोई भी जानकारी नहीं देनी यार, क्योंकि यहाँ पर जो आप जानकारी देते हैं ये पब्लिक हो जाती है और फिर वो अच्छी बात नहीं है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक होना। इसलिए कह रहा हूँ, मना करने के बावजूद भी हर वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ पर जानकारी मत दीजिएगा, बट फिर भी आप लोग यहाँ पर जानकारी शेयर करते हैं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जानकारी नहीं देनी है आपको, यहाँ पर सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ पर आपका नाम दीजिए, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, यहीं पर आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस का पीडीएफ और जो एडमिट कार्ड का पीडीएफ वो सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप आपकी यूजर आईडी, आपका पासवर्ड और साथ ही लिख दीजिएगा DDA JEE Admit Card 2023 लिखना उतना ही अनिवार्य है जितना कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड, क्योंकि गाइज मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी DDA को लेकर के तो मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, जैसे कि SO का एडमिट कार्ड, JSA का एडमिट कार्ड और जो आपकी बाकी की पोस्ट थी उनका, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखिए DDA JEE Admit Card 2023, ताकि मैं देखते ही समझ जाऊँ और आपका जो स्टेटस है या एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड सिंपली वे में कर पाऊँ। एंड देन जैसे ही जानकारी आप दे दे और सबमिट कर दे तो ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, आपका काम खत्म होता है। इसके बाद में मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, एंड उसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं चार्ज नहीं करता इस चीज़ों का। वो इसलिए क्योंकि आपने जो मेहनत की है, मैं नहीं चाहता वो आपकी वेस्ट जाए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इसलिए कोशिश रहती है कि आपको समय पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके दिया जाए। अगर हाँ आप कुछ करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी बात आपको करनी है, कोई कुछ भी वो आपके ऊपर है, तो आप फॉलो कर लीजिएगा, बस यही मेरी फीस रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।